नमस्कार दोस्तों, मैं केशव खेर और मैं आपको दो ऐसे कॉम्पिटिटिव स्मार्टफोन्स का कंपैरिजन दिखाने वाला हूं जो कि अपनी प्राइस रेंज में वन ऑफ द बेस्ट कहे जाएंगे। एक है पोको एम टू प्रो और एक है रेडमी नोट 9 प्रो। अब यहां पे मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलूं, इन दोनों को एक दूसरे का कॉम्पिटिटर बोलूं, दोनों को कॉम्पिटिशन ब्रांड बोलूं, या फिर एक ही कंपनी के दो एक ही जैसे फीचर्स वाले स्मार्टफोन का हूँ। थोड़ा कन्फ्यूजन ज़रूर है क्योंकि पोको हो या रेडमी हो, हैं तो दोनों एक ही। चाहे अलग हो गया हो पोको, पर फिर भी रेडमी के ही नक्शे कदम पे है, वहीं पे बनता है, वहीं से सारे आइडियाज़ आते हैं। अलग तो अभी तक हमें कुछ देखने को मिला नहीं और इसमें भी कुछ अलग देखने को नहीं मिल रहा। जी हाँ, पोको एम टू प्रो रेडमी नोट 9 प्रो एग्जैक्टली सेम हैं। जी हाँ, ये मैं आपको प्रूफ करने वाला हूँ इस वीडियो में, दोनों का स्पेसिफिकेशन बेस्ड कंपैरिजन दिखाने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्प्ले से शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, दोनों का डिस्प्ले एग्जैक्टली सेम है। आप बिल्कुल फ़र्क नहीं पता लगा पाएंगे कि कौन सा पोको का M2 Pro है और कौन सा Xiaomi का Redmi Note 9 Pro। वो तो थोड़े से आइकन का चेंज है, इसलिए आप शायद जज कर पाएंगे ये पोको M2 Pro है और ये Xiaomi का Redmi Note 9 Pro। पर अगर आप डिस्प्ले देखें तो बिल्कुल पता नहीं लगा पाएंगे। बेजल सेम है, पंच होल बीच में दिया है, यहाँ ऊपर स्पीकर ग्रिल दोनों मिल जाता है, नीचे का चिन भी बराबर है। भाई फ़र्क ही नहीं है फ्रंट में, साइड में भी देख लीजिए, साइड से भी आप पता नहीं लगा पाएंगे कौन सा अलग है दोनों में। यहाँ पे राइट साइड पे आपको पावर बटन पे फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, वॉल्यूम लॉकर की मिलती है, और इस तरफ दोनों में सिम ट्रे है। नीचे की तरफ देखेंगे दोनों में सेम एग्जैक्ट पोजीशन पे ही आपको टाइप सी पोर्ट, 3.5 मॉडी जैक, माइक और स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। ऊपर भी आप नज़र डाल लीजिए, देख लीजिए दोनों में आपको इंफ्रारेड पोर्ट सेम पोजीशन पे, और साथ ही साथ दोनों में क्या कहते हैं आपको एक माइक मिल जाएगा। तो लुक वाइज कुछ भी फ़र्क नहीं है सिवाय एक चीज़ के, जो है ये पीछे का कैमरा का ये डिज़ाइन और ये पैटर्न। मतलब अगर आप कैमरा भी गौर से देखें तो दोनों सेम जगह पे हैं, बस यहाँ पे काली पट्टी नहीं लगाई पोको M2 Pro में, और यहाँ पे पैटर्न दे दिया है Redmi की जगह पोको का डिज़ाइन बना दिया है, और ऊपर 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा लिख दिया गया है। पर अदरवाइज एग्जैक्टली सेम डिज़ाइन लैंग्वेज है, कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिला। पर एनीवे आपको बता दूं कि डिज़ाइन सेम है और दूसरे स्पेक्स भी सेम है, वो भी मैं आपको बताता हूं कि दोनों में आपको 6.67 इंच का फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन डिस्प्ले मिल जाता है। आईपीएस एलसीडी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और दोनों में फ्रंट पे गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। बैक पैनल पर भी दोनों में गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है। दोबारा से बैक पैनल आप देख लीजिए ताकि आपको एहसास हो जाएगा कि लुक्स यार एग्जैक्टली सेम है। देख लीजिए, अगर मैं इस काली पट्टी को छुपा दूं तो आप पता नहीं लगा पाएंगे कि Redmi Note 9 Pro कौन सा है और Poco M2 Pro कौन सा है। बहुत ही सिमिलर डिज़ाइन पे कंपनी ने Poco M2 Pro को लॉन्च किया है। और इसके साथ साथ इंटरनल्स पर हम गौर करेंगे तो यहाँ भी कुछ सेम मिलता है। Qualcomm का Snapdragon 720G दोनों में मिल जाता है आपको। और वहीं कैमरास की बात करें तो यहाँ पे कैमरास में भी सिमिलरिटी है। 48 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर दोनों में दिया गया है, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, और दोनों में ही 16 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर आपको मिल जाता है। तो भाई कैमरा भी सेम है, फ़र्क कहाँ पे आता है? फ़र्क आता है थोड़ा यूआई में और थोड़ा बैटरी में। बताता हूँ आपको, दोनों में जो बैटरी है वो अलग अलग दी गई है, 20 mAh का फ़र्क है। Xiaomi Redmi Note 9 Pro में 5020 mAh की बैटरी दी गई है 18 वॉट की चार्जिंग स्पीड के साथ। Poco M2 Pro की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी मिलती है 33 वॉट की चार्जिंग स्पीड के साथ। तो ये फ़र्क है, एक तो 20 mAh की बैटरी का फ़र्क है और साथ ही साथ चार्जिंग स्पीड का फ़र्क है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि UI थोड़ा सा अंतर है दोनों में। भले ही आपको MI UI ही मिलता होगा Android 10 के साथ, लेकिन जो Poco मिलता है वो Poco for MI UI 10 है। तो चलिए वो दिखा देता हूं मैं आपको दोनों का एक बार UI खोल के। अबाउट के सेक्शन में जाएंगे दोनों में, यहाँ पे MI UI वर्जन फॉर Poco लिखा है, यहाँ पे MI UI वर्जन फॉर Redmi नहीं लिखा क्योंकि Redmi का ही MI UI है, Xiaomi का ही MI UI है। तो देख सकते हैं फॉर Poco, बस यही फ़र्क दोनों में आपको देखने को मिल जाता है। तो अब आप देख सकते हैं कि कुछ स्पेसिफिकेशन में अंतर नहीं है, दोनों सेम फ़ोन है, बस एक पोको के नाम से बिक रहा है और एक Xiaomi Redmi Note 9 Pro के नाम से। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर यह कि कंपनी पोको M2 Pro को लेकर क्यों आई है, जब ऑलरेडी Xiaomi Redmi Note 9 Pro था, हैं तो दोनों एक ही कंपनी ना, आपस में ही क्यों कम्पीट कर रही हैं? Realme और Oppo तो खुद को इतना कम्पीट नहीं करती हैं, या दूसरे भी कोई ब्रांड्स अगर आप देखेंगे जिनका सब ब्रांड ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है, वो खुद को तो इतना कम्पीट नहीं करते हैं। पर एनीवे कंपनी की अपनी अपनी चॉइस है, हम क्या करें। अगर आप पोको फ़ैन है तो पोको का फ़ोन खरीद लीजिए, स्पेसिफिकेशन सेम है। अगर आप रेडमी फ़ैन है तो रेडमी का फ़ोन ले लीजिए, दोनों ही दमदार फ़ोन है। यहाँ पे कोई भी, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि फ़ोन में खराबी है, दोनों दमदार फ़ोन है। बस क्वेश्चन ये है कि सेम फ़ोन क्यों? आप भी इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए और मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और हमेशा की तरह ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।